हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड इस वीडियो लेक्चर में मैं एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 31 जो साउंड वेव्स है उसको सॉल्व करूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है जानबूझकर स्किप कर रहा हूं, बिकॉज उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अच्छे खासे हैं, बट उसको सॉल्व करना, जो इक्वेशन बनता है उसको सॉल्व करना, इट्स बिकम टू लेंथी। ओके, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर उस टाइप के चीजें होंगी तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज फाइनल में मैं एक वीडियो उसका बना दूंगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि टू स्पीकर S1 एंड S2, यहाँ पर एक S1 है, ये S2 है, ड्रिवन बाय द सेम एम्पलीफायर। यहाँ पर एक एम्पलीफायर है और इससे ये कनेक्टेड है, ठीक ना, आप नॉर्मल जो DJ सेट में देखते हो। And placed at a distance 1 meter and minus 1 meter. The speaker vibrate in phase at 600 hertz. ठीक ना, ये दोनों स्पीकर हैं इस टाइम पर एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और वो 600 hertz में उनकी फ्रीक्वेंसी है। A man stands at a point on x-axis at a very large distance. मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा है, ओके, और एक्स एक्सिस पे है, तो गाइज मतलब यहाँ पे जो होगा उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। क्वेश्चन इज व्हाई, आप इसको आंसर देना कि ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर मैन हियर अ मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्वेश्चन इज व्हाई। ओके, एक्सप्लेन करना इसको। ओके, एंड स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो यहाँ पर आर्मी है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, the speed of the sound in the air is 330 meter per second. जो speed of sound in air क्या है, 330 meter per second है. At what angle theta will the intensity of sound drop to a minimum for the first time? यहां से move करेगा तो उसकी intensity कम होती जाएगी, आपको बताना है क्यों कम होती जाएगी, और एक particular point पे intensity जो है minimum हो जाएगी, क्यों? ओके, तो वो मिनिमम हो जाएगी, उस पॉइंट को फाइंड करना, उस पॉइंट को मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे अपॉन मूव करेगा एक कुछ टाइम के लिए, लाइक उसकी इंटेंसिटी क्या होती होगी, मिनिमम डिक्रीज करती जाएगी, क्वेश्चन इज व्हाई। ओके, एट एंगल, तो हमें इस पॉइंट को सॉल्व करना, एट व्हाट एंगल थीटा विल द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ड्रॉप टू अ मिनिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो गाइस ये दिखा गया है कि यहां से ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही दूर है। ओके, मतलब क्या है कि यहां से जो भी रे आएंगी वो सभी की सभी क्या होंगे, पैरेलल होगी। ओके, और जो मिलेंगे वो इनफिनिट को, मतलब ये डिस्टेंस इन सब चीजों के लिए क्या, इन लाइक इनफाइनाइट। ओके, तो मान लो मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करता हूं, इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना, और मैं इस पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो गाइज आप देखोगे ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा होगा। ओके, ये एंगल थीटा, और मैं ये बोला कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मीट कहां करनी है, मीट तो करनी है, लेकिन कहां, इनफाइनाइट पे। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या हो, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो गाइज ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है हमें, क्योंकि ये कहां पर मीट कर रही है, इनफाइनाइट पे। ये पॉइंट पी कहां है, इनफाइनाइट, वेरी फॉर लिखा है ना। द मैन स्टैंड एट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इससे बहुत दूर पे, मतलब ये पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ओके, चलो, तो अब इसका मतलब क्या है, यहां से ये जो लाइन है, यहां से जो तीनों लाइन है
वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, मैं तो समझ रहे हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो मान लो ये तीनों लाइन पैरेलल हैं और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहां से जो भी होगा तीनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ओके तो गाइस ये जो है, मान लो ये पॉइंट में मान लो ओ, मान लो ओ, तो इसके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, मतलब पाथ लेंथ होगा S2O - S1O, वो बेसिकली क्या होगा, यही लेंथ पाथ डिफरेंस होगा, ये जो पाथ डिफरेंस है यही होगा, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके आपको गाइस इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकली आपको इमेजिन करना है कि ये तीनों लाइन, ये जो तीनों पॉइंट है बहुत दूर है और इनफाइनाइट पर मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं तीनों लाइन पैरेलल होंगी। ओके और ये परपेंडिकुलर लाइन है, जहां भी ये अभी जहां भी जाएगा आगे किसी परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो तीनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस पॉइंट मतलब S1, ये मान लो ये पॉइंट P हो गया, तो यहां से आपको SO, S1O एंड PO इक्वल होगा। इस जगह से SO, मैं क्या बोल रहा हूं, S1O इज इक्वल टू PO। ओके तो जो मेन डिफरेंस हुआ भैया, पार्ट डिफरेंस वो बेसिकली यही होगा H2P, ये एच टू है वो थोड़ा ज्यादा चलेगा, कितना H2P चलेगा। तो हमें क्या बताना है, H2P की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या बताना है, वी हैव टू डिफाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H2P, और H2P की वैल्यू क्या होगी। चलो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। तो ये एंगल थीटा, ये आप लेंथ देखोगे, इसका कोऑर्डिनेट है 1, इसका कोऑर्डिनेट है -1, तो ये लेंथ देखोगे 2। ओके देन ये एंगल थीटा है, okay? तो ये लेंथ जो आएगा आप देखोगे तो 2 sin θ आएगा। ओके एंड दिस विल बी द फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, दिस इज द पार्ट डिफरेंस, 2 sin θ। ओके गाइस तो आप पूछ रहे हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए तो फेज डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, λ/2 होनी चाहिए, दिस मीन्स 2 sin θ, 2 sin θ should be λ/2, and what is the lambda? Lambda here is basically 330 divided by 600. This is the lambda, and this is equal to 0.55 meter. Okay. तो गाइस जो आपका sin theta आएगा basically this will be λ/4. And if you solve this, then sin theta is equal to 0.1375. Approximately इतना आएगा sin theta. Okay. और आप इसको अगर like angle में convert करोगे, then you will find sin theta. आप इसको angle में convert करोगे, then theta become आपको 8 degree. ओके थीटा की वैल्यू कितना आएगी, 8 degree. ओके गाइस ओके अगला क्या है कि एट व्हाट एंगल विल ही हियर द मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब यहां से चलने के बाद मान लो कहीं 8 θ = 8 degree पे वो मिनिमम सुनेगा, उसका फिर से कब दोबारा कब सुनेगा मैक्सिमम। ओके तो गाइज इस केस में दोबारा मैक्सिमम सुनने के लिए मतलब ये जो 2 sin θ होनी चाहिए, जो 2 sin θ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा। ओके तो मतलब क्या है, साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, λ/2। मतलब इसका क्या, इसका दो टाइम, इसका 2 टाइम, मतलब क्या आ जाएगा आपका, इसका अगर 2 टाइम कीजिए देन दिस बिकम 0.275। ओके साइन थीटा, तो मतलब थीटा इसको आप सॉल्व कीजिए, देन थीटा यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 16 degree अप्रोक्सीमेटली।
अगर इसका इनवर्स लेंगे तो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री। ओके, तो इस केस में थीटा क्या आएगा? 16 डिग्री। ओके ओके गाइज, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि इफ ही कंटिन्यूज टू वॉक अलोंग द लाइन हाउ मेनी मोर मैक्सिमा कैन ही हियर। सो गाइज सी, उसने क्या किया था, अभी तक फर्स्ट मैक्सिमा हियर कर चुका था, तो और कितना हियर करेगा ये बताना है, ठीक ना? ओके, सो गाइज लेट्स सपोज कि वो जो है एन लैम्डा ओके, वो एन नंबर ऑफ मैक्सिमा हियर करता है, एन नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या करता है, हियर करता है। देन अगर जो एंथ के लिए होगा, जो एंथ मैक्सिमा होगा, तो वो उसकी उसके लिए मैं क्या लिखता हूं, टू साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, ये चीज मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं। ओके गाइज, नाउ अब जो मैक्सिमा, अगर ये मैक्सिमा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपको वन। ओके, दिस मीन्स टू इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ओके नाउ, तो ये लैम्डा क्या होगा, अगर मैं इसकी एन की वैल्यू निकालनी हो तो आई कैन राइट एन इज इक्वल टू टू बाई लैम्डा। ओके, और लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी, तो इसका मतलब क्या है कि एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू डिवाइड बाई 0.55। इफ यू सॉल्व दिस देन यू विल गेट 3.6। इसका मतलब क्या है कि टोटल गाइज, ये एन जो है, एन बेसिकली क्या है, इंटीग्रल होगा। ओके, तो मैक्सिमा के लिए एन शुड बी इंटीग्रल, दिस मीन्स कि एन की वैल्यू यहां पर इंटीग्रल, एन की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि चार पॉसिबल है नहीं, बिकॉज चार होने के लिए जो आपको यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो एन की वैल्यू है वो क्या होगी, 3। इसका मतलब क्या है कि अगर जो मैक्सिमा देखा जाए तो कितने होंगे, 0, 1, 0, एक यहां पर होगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, 2 मैक्सिमा और आएगा, ठीक ना? तो टोटल कितने मैक्सिमा होंगे, 4, जिसमें से 2 वो जान चुका है, ठीक ना? 2 कहां पर होगा, 1 जीरो पर होगा, 1 यहां पे होगा, जो हमने मतलब जो 16 डिग्री हमने कैलकुलेट किया था, ठीक ना? और 2 मैक्सिमा और होंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ ही कंटिन्यू टू वॉक अलोंग द लाइन हाउ मेनी मोर मैक्सिमा कैन ही हियर, तो हाउ मेनी मोर, 2 मोर मैक्सिमा। ओके गाइज, आई होप कि आपको जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा आपके लिए यूजफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भवन स्टडी सेंटर एंड फ्री ऑनलाइन कोचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।